ॐ श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामतत्तुल्यं रामनामवरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। टुडे वी रीड चैप्टर 38 ऑफ द अयोध्या कांडम व्हिच हैज 17 वर्सेस। Incensed to hear the loud wailing of those present at the scene on Sita being dressed as a hermitess, Dasharatha reproaches Kaikeyi. While departing, Sri Rama entreats his father to take care of his mother. आज हम अयोध्या कांड के अष्टह त्रिंशह सर्गह का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें राजा दशरथ के सीता को वलकल धारण कराना अनुचित बताकर कैकेयी को फटकारने और श्री राम का उनसे कौसल्या पर कृपा दृष्टि रखने के लिए अनुरोध करने का विवरण दिया गया है। तस्याम चीरम वसानायाम नाथवत्या मनाथवत् प्रचु क्रोश जनह सर्वोधिक त्वाम दशरथम त्विति। सीता जी सनाथ होकर भी जब अनाथ की भांति चीर वस्त्र धारण करने लगी, तब सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, राजा दशरथ तुम्हें धिक्कार है। On Sita wearing the bark of trees like a helpless woman, though protected by her husband, all the people present there loudly exclaimed, Fie upon you, the powerless Dasharatha, who does not stop this flagrant injustice. तेन तत्र प्रणादेन दुखितः स महीपतिः चिच्छेद जीविते श्रद्धाम धर्मे यशसी चात्मनः स निश्वस्योष्ण मेक्ष्वाकस्ताम भार्यामिदं ब्रवीत कैकेय्य कुश्चीरेण न सीता गंतु मरहति। वहां होने वाले उस कोलाहल से दुखी हो इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ ने अपने जीवन धर्म और यश की उत्कट इच्छा त्याग दी। फिर वे गर्म सांस खींचकर अपनी भार्या कैकेयी से इस प्रकार बोले, कैकेयी, सीता कुश्चीर वलकल वस्त्र पहनकर वन में जाने की योग्य नहीं है। Pained to hear that loud cry, the said emperor lost all his interest in life, religious merit, and renown. Heaving a sigh of grief, that scion of the Ikshvaku clan spoke to his wife Kaikeyi as follows: Sita surely does not deserve to depart in a robe made of kusha grass, O Kaikeyi. Sukumari cha bala cha satatam cha sukhochita neyam vanasya yogyati सत्यमाह गुरुर्मम। यह सुकुमारी है, बालिका है और सदा सुखों में ही पली है। मेरे गुरुजी ठीक कहते हैं कि यह सीता वन में जाने योग्य नहीं है। My preceptor Vashishta truly says that delicate of body, young and ever used to amenities of life as she is not fit for residence in a forest. इयम ही कस्यापि करोति किंचित तपस्विनी राजवरस्य पुत्री या चीर मासाद्य जनस्य मध्ये स्थिता विसंज्ञा श्रमणीव काचित। राजाओं में श्रेष्ठ जनक की यह तपस्विनी पुत्री क्या किसी का भी कुछ बिगाड़ती है, जो इस प्रकार जन समुदाय के बीच किसी किंकर्तव्य विमूढ़ भिक्षुकी के समान चीर धारण करके खड़ी है। Has this innocent daughter of Janaka, jewel among kings, really done any injury to anyone whosoever that have received a robe of bark? She stands dumbfounded like an ordinary hermitess in the midst of men. चीराण्य पास्या जनकस्य कन्या
नेयं प्रतिज्ञा मम दत्तपूर्वा यथा सुखम गच्छतु राजपुत्री वनम समग्र सह सर्वरत्ने। जनक नंदिनी अपने चीर वस्त्र उतार डाले, यह इस रूप में वन जाए ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले नहीं की है और ना किसी को इस तरह का वचन ही दिया है। अतः राजकुमारी सीता संपूर्ण वस्त्र अलंकारों से संपन्न हो, सब प्रकार के रत्नों के साथ जिस तरह भी वह सुखी रह सके उसी तरह वन को जा सकती है। Let Sita, the daughter of Janaka, shed her robes of bark, no such pledge that she would accompany her husband in robes of bark was given by me in the past. Let the princess therefore proceed at pleasure to the forest, fully equipped with clothes and ornaments and provided with all valuable possessions. अजीवन अर्हेण मया नृशंसा कृता प्रतिज्ञा नियमेन तावत् त्वया हि बाल्यात् प्रतिपन्नमेतत् तन्मा दहेद वेणुमिवात्म पुष्पम्। मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूँ, मैंने तेरे वचनों में बंधकर एक तो यूं ही नियम शपथ पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा कर डाली है, दूसरे तूने अपनी नादानी के कारण सीता को इस तरह चीर पहनाना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार बांस का फूल उसी को सूखा डालता है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा मुझी को भस्म किए डालती है। In the first place, a cruel promise was made on oath by me, who no longer deserves to survive. On top of it, this unjust act of providing the robes of a hermitess to Sita has been initiated by you through sheer childishness. That is sure to consume me, even as the blossoming of a bamboo brings about its own destruction. रामेण यदि ते पापे कृतम किंचित कृतम शोभनम अपकारः क इह ते वैदेह्या दर्शितो अधमे। नीच पापिनी, यदि श्री राम ने तेरा कोई अपराध किया है तो उन्हें तो तू वनवास दे ही चुकी। विदेह नंदिनी, सीता ने ऐसा दंड पाने योग्य तेरा कौन सा अपकार कर डाला है। Even supposing some offence was given to you by Rama, what wrong on earth was done to you by Sita, a princess of the Vaidehi territory, O vile woman? मृगी वोत्फुल्ल नयना मृदुशीला मनस्विनी अपकारम कमिव ते करोति जनकात्मजा। जिसके नेत्र खरिणी के नेत्रों के समान खिले हुए हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत कोमल एवं मधुर है, वह मनस्विनी जनक नंदिनी तेरा कौन सा अपराध कर रही है। What injury on earth could the lofty-minded Sita, the daughter of Janaka, do to you? Sita, who is distinguished by a pair of blooming eyes like a female gazelle and is possessed of such a mild disposition? ननु पर्याप्तमेवं ते पापे राम विवासनम् किमेभिः कृपणैर्भूयः पातकेर अपि ते कृतैः। पापिनी, तूने श्री राम को वनवास देकर ही पूरा पाप कमा लिया है, अब सीता को भी वन में भेजने और वल्कल पहनाने आदि का अत्यंत दुखद कार्य करके फिर तू इतने पातक किस लिए बटोर रही है। Indeed, sending Rama into exile in the robes of a hermit, as you are doing, O sinful woman, is enough for you. What more do you seek to gain through these further sins in the shape of exiling Sita, and that too in the robes of a hermitess, which are going to be perpetrated by you and which are calculated to land you in untold suffering? प्रतिज्ञातं मया तावत् त्वयोक्तं देवी शृण्वता रामं यद्भिषेकाय त्वमीहागत मब्रवीहि। देवी, श्री राम जब अभिषेक के लिए यहाँ आए थे उस समय तूने उनसे जो कुछ कहा था उसे सुनकर मैंने उतने के लिए ही प्रतिज्ञा की थी। Hearing your command, which you gave to Rama,
who was called here the other day in connection with his installation as Prince Regent, O Queen, that much was silently acquiesced in by me. तत् वे तत् समतिक्रम्य निरयं गन्तुमिच्छसि मैथिलीम् अपि यहि त्वमीक्षसे चिरवासिनीम्। उसका उल्लंघन करके जो तू मिथिलेश कुमारी जानकी को भी वल्कल वस्त्र पहने देखना चाहती है, इससे जान पड़ता है तुझे नरक में ही जाने की इच्छा हो रही है। Distinctly going beyond that, however, as you are doing now, you seek to go to hell in that you would have Sita, a princess of Mithila too, clad in the bark of trees. Evam bruvantam pitaram ramah samprasthito vanam avakshir samasin midam vachanam bravit. Raja Dashrath sir neecha kiye hue बैठे हुए जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय वन की ओर जाते हुए श्री राम ने पिता से इस प्रकार कहा। To his father, who sat with his head bent low, while speaking as aforesaid, Sri Rama, who was now actually on his way to the forest, submitted as follows. इयं धार्मिक कौसल्या मम माता यशस्विनी वृद्धा चाक्षुद्र शीला च न च त्वाम देव गर्हते मया विहीनाम वरद प्रपन्नाम शोक सागरम अदृष्ट पूर्व व्यसनाम भूयः सम्मन्तु मरहसी। धर्मात्मन, ये मेरी यशस्विनी माता कौसल्या अब वृद्ध हो चली हैं। इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है। देव, यह कभी आपकी निंदा नहीं करती हैं। इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा। वरदायक नरेश, ये मेरे न रहने से शोक के समुद्र में डूब जाएंगी। अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें। This illustrious mother of mine, Kaushalya, has not only grown old, but is of a generous disposition too, and never speaks ill of you, O pious monarch. When she is bereft of me and consequently drowned in a sea of grief, although she has known no suffering before, O bestower of boons, you ought to show greater regard to her. पुत्र शोकम यथा नर्छेत त्वया पूजयेन पूजिता माम ही संचिंत यंति सा त्वयी जीवेत तपस्विनी। आप पूज्यतम पति से सम्मानित हो जिस प्रकार यह पुत्र शोक का अनुभव न कर सके, और मेरा चिंतन करती हुई भी आपके आश्रय में ही ये मेरी तपस्विनी माता जीवन धारण करें, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। So that the poor lady may not fall a prey to grief caused by separation from me, her son, and treated with respect by you, who are worthy of adoration to her and contemplating on me, may survive under your care. Imam Mahendropam jat gardhinim tatha vidhatum jananim mamarahasi yatha vanasthe mayi shok karshita na jivitam nayasya yamakshayam vrajet. इंद्र के समान तेजस्वी महाराज, ये निरंतर अपने बिछड़े हुए बेटे को देखने के लिए उत्सुक रहेंगी। कहीं ऐसा ना हो मेरे वन में रहते समय ये शोक से कातर हो अपने प्राणों को त्याग करके यमलोक को चली जाएं। अतः आप मेरी माता को सदा ऐसी ही परिस्थिति में रखें जिससे उक्त आशंका के लिए अवकाश न रह जाए। Kindly handle my mother, who is sure to pine for me in such a way, O comparer of the mighty Indra, the Lord of Paradise, as to ensure that, stricken with grief, when I am sojourning in the forest, she may not depart to the abode of Yama, the god of death, giving up the ghost.
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकांडे अष्टात्रिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 38 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rame Rameti Rame Rame Manorame Sahasranam Tattulyam Rama Nama Varanane Om Apadam Apahartaram Dataram Sarva Sampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamayaham Dhanyavad Dhanyavad